have a final grand finale ABB Rock Group Salbu Camp cricket tournament. So without wasting time, let's start the video. Let's you can go see. For start video. Yeah, let's go for start. Assalamualaikum, Punjab 11 ke Kashmir Warriors. आ जाए सर फोटो सेशन करवा लें एक दफा सारे ग्रुप का. बताते चलें कि टॉस जीत गई है किंग इलेवन पंजाब, तो क्या आकाश भाई आप टॉस जीत के आपका क्या डिसीजन है, बैटिंग करना चाहते हैं या बॉलिंग? तो आप बॉलिंग तो क्या स्ट्रेटजी आपकी होगी कि कश्मीर वारियर के बैटिंग लाइन काफ़ी अच्छी है, उनके कमरान इस वक्त तकरीबन हाईएस्ट स्कोर हो रहे हैं इस टूर्नामेंट के, तो क्या स्ट्रेटजी होगी, कितने रन पर आप उनको रोकना चाहते हैं? हम अपनी अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश करेंगे और उनको कम अज़ कम रन बनाने देंगे. शुक्रिया, बेस्ट विशेज आपके लिए. तो अभी ले चलते हैं कश्मीर वारियर के कैप्टन शकील की तरफ से. तो टॉस तो आप हार गए, तो मैच के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होगी, आप कितने रन तक आपकी प्लानिंग है कि हम बनाएंगे और आप दिफा कर सकते हैं अपनी टीम के लिए? इंशाल्लाह सबसे पहले अगर हमारे ओपनर अच्छा खेल गए तो अच्छा टारगेट देंगे, बाकी सब कुछ. चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक. आहिस्ता दौड़ना शुरू कर दिया, तेज हुए अंपायर के पास से गेंद की अच्छी गेंद थी, गेंद को कट कर दिया, बड़ा खूबसूरत टर्न की जा रही, पिलर मौजूद लेकिन रोक नहीं पाएंगे, गेंद चली गई खेली है गेंद पर, बड़ा खूबसूरत कट गिल की तरफ से गेंद टर्न से चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर, चार रनों के लिए और चार रन का आगाज किया इनिंग का, आगाज चार रन से किया है कश्मीर. यहाँ पे कुछ लोग जो है लाइव रिकवरी कर रहे हैं. क्या नाम है आपकी फेसबुक का? शोधा कश्मीर पेज पर लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही है. यहाँ पे कुछ लड़के यहाँ पे ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, सो ये रिकवर कर रहे हैं पूरा मैच 8 आवर्स का. आपको एक और बताते चले कि उमर भाई इस टूर्नामेंट के ऑफिशियल फोटोग्राफर भी है, इनका एक चैनल है उमर भाई का उमर वर्ल्ड के नाम से यूट्यूब पे, काइंडली आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो चाहिए कोई भी, वो क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल बास्केटबॉल किसी भी इवेंट की आपको अगर वीडियो चाहिए होती है तो वो उमर वर्ल्ड से आप हासिल कर सकते हैं. इसी में बताओ कहते हैं बल्ले से निकलता हुआ ये प्यारा छक्का. <laughs>
फैसला लिया था, आखिरकार कश्मीर वारियर फातेकार हुई है। आज के इस हमारे फाइनल जो गेम थी इसके मेहमान खसूसी चीफ गेस्ट हमारे फरहान खिलजी साहब, आरिफ मैनेजर और उबैद अहमद साहब मैनेजर स्पोर्ट एंड सर्विसेज एंड प्लांट एंड सर्विस मैनेजर। एक दफ़ा ज़ोरदार तालियां दोनों हमारे मेहमान खसूसी के लिए। ये से दूर से हमारे पास आए अपना कीमती टाइम निकाल के, और साथ में आपको बताते चले कि और भी हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो अहमद जहांगीर साहब का, इन्होंने एक तो पार्टिसिपेट भी किया और एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड हुआ, क्योंकि जब हायर मैनेजमेंट कोई भी कैंप के मामलों में पार्टिसिपेट करती है तो उसका आपको इफेक्ट सामने नजर आया होगा, और एक बड़ा शानदार टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ और आज उसका फाइनल हुआ। एक दफ़ा जोरदार तालियां अहमद जहांगीर साहब के लिए। और अगर मैं यहाँ पे मलिक असलम साहब का नाम ना लूँ तो ये भी एक ज्यादती होगी, सारे मैचेस में वो आते रहे, बड़े शानदार इंसान, और उसके साथ उनकी टीम आल्दो के क्वालिफाई नहीं कर सकी सेमीफाइनल के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ा अच्छा गेम पेश किया और हमारे साथ मौजूद रहे अपने एरोन के बच्चे हैं, उनके लिए भी दफा जोरदार तालियां। और साथ में वहीद अहमद साहब जो कि फाइनेंस मैनेजर हैं, उनके जेर साया ये टूर्नामेंट हुआ है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा वो खेले थे लेकिन इस दफ़ा वो खेल नहीं सके, इंशाल्लाह हम उनको उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो खेलेंगे, तो उनका उनके लिए दफ़ा ज़ोरदार तालियां, मेरे दिमाग से भी उनके लिए बहुत ज़ोरदार तालियां मिली। बाकी भी जितने भी यहाँ पे हमारे सी एच ओ से आने वाले या भैया बाहर से आने वाले जितने भी गेस्ट मौजूद हैं, मैं उन सब के लिए यही कह सकता हूँ आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमारे लिए, तो एक दफ़ा सब के लिए ज़ोरदार तालियां। आपको बताते चले ये बात है, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं यहाँ पे सारे हैं, स्पेशली फरहान खिलजी साहब पहली दफ़ा है आपको, और बाकी चूँकि आते रहे इससे पहले भी दो टूर्नामेंट हो चुके हैं, तो आपको बताते चले फरहान खिलजी साहब और बाकी जितने भी हमारे गेस्ट हैं कि चूँकि कोरोना की वजह से जो पहले एक मार्च से लेकर तकरीबन छठे सातवें मंथ तक बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन थी, उसके बाद पहले फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ, फिर वॉलीबॉल का हुआ, अब ये क्रिकेट का एग्जाम तजीर हुआ, तो इससे जो इस टूर्नामेंट की बदौलत जो इससे पूरे कैंप का जो मॉल है वो चेंज हो गया, इसलिए हम जितने भी हायर मैनेजमेंट है उन सब का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और मैं तमाम टीम्स के बिहाव पे और इस कैंप के बिहाव पे आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच सर। अब सबसे पहले मैं नूर अहमद साहब, अगर इनका भी जिक्र ना करें तो ये भी एक ज्यादती वाली बात ही है, इन्होंने जितने भी इवन फुटबॉल का या वॉलीबॉल का बास्केटबॉल का और ये क्रिकेट का टूर्नामेंट जितने भी टूर्नामेंट हुए इन्होंने पूरी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं, और इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि जल्द अज़ जल्द आएँ और एक दो मिनट में अपने ख्याल का इजहार करें ताकि हम बाकायदा इसके बाद आगाज़ कर सकें। जी नूर अहमद साहब, इन्हें जोरदार था जी नूर अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों साथियों, और ओपनिंग के दिन उबैद साहब ने एक बात कही थी कि इतना बड़ा टूर्नामेंट 24 टीम्स है, समझ नहीं आ रहा ख़त्म कैसे होगा या शुरू कैसे होगा, तो आज सर आपके सामने माशाल्लाह पूरी कामयाबी के साथ हमने इसे मुकम्मल किया, अल्लाह का करम है, नबी पाक सल्लम की रहमत है जिसकी वजह से ये सब हमें कामयाबी मिली, और जो उसके बाद सप्लीमेंट्री जो चीज़ है इसमें दो ही चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये कामयाब हुआ टूर्नामेंट मटेरियलिस्टिक होकर अगर देखें, एक उसमें ना मैं हूँ ना टूर्नामेंट कमेटी है ना अंपायर वगैरह ऑर्गेनाइजर, कुछ नथिंग, सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये रेजिडेंट्स हैं, आप लोग हैं, वर्कर्स हैं मेरे एबीवी के, जिन्होंने इतने डिसिप्लिन के साथ ये खेला, चाहे वो प्लेयर्स की सूरत में हो चाहे वो पब्लिक की सूरत में ऑडियंस की सूरत में थे, ये आप लोगों की वजह से कामयाब हुआ, किसी बंदे ने माशाल्लाह मिसबिहेव नहीं किया, किसी ने कोई ऐसा काम नहीं हुआ, कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, कोई थोड़े बहुत चलते रहे फायरिंग में मामला, वो गेम का हिस्सा, पार्ट ऑफ द गेम है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है इस टूर्नामेंट को कामयाब करने में दुनियावी लिहाज से मामला में, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये मैनेजमेंट है जो सामने आप लोगों के बैठे हुए, तो इनके लिए एक मेरी तरफ से तालियां होनी चाहिए, ये इन लोगों की मेहरबानी है, ये मेरा कोई किरदार नहीं है, जुनेद का कोई किरदार नहीं है, ये इन लोगों की शफकत है कि ये सुनते हैं पब्लिक के उस पे लेवल पे आके हमारे साथ बैठते हैं, मिलते हैं, खेलते हैं, ये इन लोगों की मेहरबानी की शफकत है, इन लोगों के लिए एक दफ़ा फिर तालियां बजाएं, और इन लोगों के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह कामयाब रखे, कायम और दायम रखे, तरक्की दे। कादिर खान साहब मेरे सीनियर यहाँ पे कैंप में मेरे साथ होते हैं, मेरी सपोर्ट बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट मेरे लिए है, मिस्टर देवा है मेरे सीनियर हैं, तो बस यही बात है। और एक आखिरी बात कि दो टीम्स हैं जिनके निकलने से मेरे टूर्नामेंट की रौनक जो है वो आधी रह गई थी, एक पिंडी बॉयज जिसको पब्लिक ने बहुत मिस किया, और दूसरी कल जब सीएचओ आ रही तो दिल में बड़ा दुख हुआ सबको,
और सीएचओ की टीम के लिए प्लीज तारी, उन्होंने बहुत एफर्ट की, इतनी दूर से आते थे, आप सबकी बहुत नवाजिश है। सुनील लतीफ मेरे दोस्त हैं, साथ रहे एक महीना सर, रोज हम 11 बजे ग्राउंड से जाते थे, सब कुछ बंद करके वाइंड अप करके, जुनेद लतीफ की हिम्मत है, सुबह ड्यूटी सब कुछ, तो जुनेद लतीफ के लिए प्लीज ताली होने, बहुत अच्छे इंसान है, अल्लाह इसे खुश रखे। और आखिरी बात ये कि मैनेजमेंट ने देख लिया आप सबके लिए क्या कुछ किया है, मैनेजमेंट ने आपके लिए क्या कुछ किया, देखें हर सतह पे आके, इवन के रात को 10 बजे सर्दी में आपके सामने आके बैठे हुए अपने घरों से उठ के 50-50 किलोमीटर से। तो आप लोग भी अपना डिसिप्लिन शो करें अपनी जॉब में, अपने काम में, अपनी पूरी ईमानदारी से, कंपनी के साथ वफादारी, कोई हर्डल नहीं, कोई परेशानी ना आए, ठीक है, इंशाल्लाह ताला कैंप में भी और साइट में भी अपनी कोशिश करें, इंशाल्लाह ये आप लोगों के साथ हैं, अगर आप सही हैं तो ये आपके साथ और ज़्यादा बेहतर तरीके से इंशाल्लाह ताला पेश आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब बाकायदा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का आगाज करते हैं। नूर भाई, मैं आपसे एक दफ़ा फिर आपको तकलीफ दूंगा। ओपनिंग जो वीडियोस थी, खास करके जो ओपनिंग है सरनी क्रिकेट की जो वीडियो थी, वो बड़ी शानदार इन्होंने बनाई थी। तो एक हमने इनके लिए छोटा सा प्राइज रखा है, हम उसका रिटर्न तो नहीं कर सकते जितने ये एफर्ट करते हैं, लेकिन छोटा सा प्राइज है इनके लिए। प्लीज़ उमर भाई, आप नूर भाई से कलेक्ट करें, बेस्ट फोटोग्राफर का इनाम है इनके लिए। मेरा जोरदार धन्यवाद उमर भाई के लिए। कल जब किसी की फोटो अच्छी नहीं आएगी फिर सिक्योर करेंगे, जोरदार ताली, जो भी अच्छी ये ज़्यादा ताली हमारेगा उसकी ज़्यादा अच्छी फोटो आएगी। शुक्रिया साहब। इधर आ जाए भाई साहब के लिए, जो सबसे पहले जो इनाम है वो टूर्नामेंट कमेटी, क्योंकि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर से दो ही थे। सबसे पहले नूर साहब से मेरी गुजारिश है कि आप आएँ और अपना इनाम सुन करें। नूर भाई का भी आपको फिर से बताता चलो कि बड़ी एफर्ट है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाने में, और एक जान लगती है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवा, क्योंकि चूँकि 55 मैच करवाने आसान नहीं थे, शार्ट टाइम था। और ऑर्गेनाइजर एक और भी है जुनेद, मैं भी खुद हूँ, आ रहा हूँ सर। बेस्ट बैट्समैन है, आई थिंक आप गेस कर चुके हैं, कामरान। जोरदार ताली एक दफा कामरान के लिए, जितनी भी तारीफ करें कामरान की, कामरान नंबर वन ऑलराउंडर इस गेम के, बहुत जबरदस्त गेम पे इसकी 2 सेंचुरियां इन्होंने स्कोर की हैं, बड़ी शानदार गेम इस पूरे टूर्नामेंट में। ऑल्दो ये फ्रेंड्स क्लब के खिलाफ काफी ऑफ कलर नजर आए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो पिक पकड़ी है वो फिर फाइनल तक पकड़े के रखे हैं। इन्होंने एक तो अपनी टीम में कैप्टनसी बहुत अलग की है, और उसके बाद ये हमारे साथ हमेशा मौजूद रहे और इस टूर्नामेंट के रोनों को दोबाला किया। जोरदार ताली एक दफा फिर से अहमद जहांगीर साहब के लिए। और सबसे पहला जो इनाम है मैन ऑफ द मैच, ये भी इनाम कामरान के लिए जाएगा। कामरान ने आज 100 प्लस की इनिंग्स खेली है, क्या शानदार इनिंग्स खेली है आज इन्होंने। और फरहान खिलजी साहब से मेरी गुजारिश है, सर आपको भी थोड़ी सी तकलीफ, माजर के साथ है ये मैनेजर हैं, ऑडिट मैनेजर, एक दफ़ा जोरदार ताली, हमारे चीफ गेस्ट हैं, जोरदार ताली है, एक दफ़ा इनको पता लगना चाहिए, ये पहली दफ़ा है, इनको पता लगना चाहिए ये सलमो कैसे आए थे, और ये यादें इनके लिए रहनी चाहिए। साहब से गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप स्टेज पे हैं। उबैद साहब स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज मैनेजर एंड प्लांट एंड सर्विसेज मैनेजर।
इतने सारे लोग, इतने सारे रन, जैसे पहले बोला था वैसे ही बोल रहा हूँ आज, पॉसिबल नहीं था ये टूर्नामेंट ख़त्म करना और शुरू करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, बहुत अच्छे से हुआ। सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारे प्लेयर्स निकले, बहुत सारी टीम्स निकली नई, तो होपफुली नेक्स्ट ईयर और मज़ा आएगा, और टीम्स आएंगी और लोग आएंगे। ये भी आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं, जोरदार ताली में उबैद साहब। अब विनर जो टीम है, इससे मेरी गुजारिश है कि एक एक करके आखिर में कैप्टन है उसी अंदाज में, सबसे पहले आशिक साहब आप आ जाए। बड़ी शानदार गेंद पेश की, एक ही मैच आ रहे जो सीएचए से ये हारे थे, उसके बाद क्या ही शानदार गेंद पेश की है, बड़ा जबरदस्त कमबैक किया इन्होंने अगेंस्ट शोधाई कश्मीर, जो कि मोस्ट फेवरेट टीम थी, उनको हराया सेमीफाइनल में, और फाइनल में किंग्स इलेवन पंजाब को शिकस्त देते हुए। आज मुबारकबाद मेरी तरफ से और कमेटी की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से मुबारकबाद, शुक्रिया। अगर हो गया हो तो काफी थक गए, बहुत सारे नाम हैं जो यहां पे ले सकता हूं, लेकिन बहुत सर्दी है, सबको बहुत भूख भी लग रही होगी, घर भी जाना है, खाना भी खाना है, तो सबसे पहले बिलाल साहब जो कि मौजूद नहीं है यहाँ पे, उन्होंने आप सबके लिए एक पैगाम भेजा है, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, स्पेशली विनर्स, बहुत अच्छा गेम खेला, बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया है, और ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि आगे भी करते रहेंगे। बाकी अहमद जहांगीर साहब, रहीद साहब, फरहान साहब, अब्दुल कादिर सब यहाँ पे मौजूद हैं, और तो हम फाइनल ना पहुँच सके, लेकिन हम आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए आए यहाँ पे आज, और ऐसे ही खेलते रहें, खुश रहें, एबीवी आबाद रहे, और हम सब ऐसे ही मजे करते रहें यहाँ पे, इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, फिर होगी मुलाकात अगले साल ऐसे ही टूर्नामेंट के साथ।